अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? इन लास्ट क्लास वी हैव डन आवर टाइप्स ऑफ सेट एंड नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1D. ओके, अपनी बुक पे अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है एक्सरसाइज 1D का, आपसे कह रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग. आपके पास जो है नीचे सेट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से सेट जो है वो फाइनाइट हैं और कौन से सेट जो है वो इनफाइनाइट है. जस्ट आपने ये बुक पे ही काम करना है, उनके फ्रंट पे आपने राइट करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. ओके, अगर आप देखें आपके पास जो है पॉइंट नंबर 1, मैं आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 सॉल्व करवा रही हूँ. पॉइंट नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं सिटीज़, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान. अब जो है पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं उनका सेट है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा या इनफाइनाइट सेट कहलाएगा? ये आपके पास फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि आप इजीली बता सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं वो कितनी हैं. ठीक है, तो आप इसके फ्रंट पे क्या राइट करेंगे, फाइनाइट. देन आपके पास पॉइंट नंबर 3 है सेट ऑफ होल नंबर. जैसे कि आपको मालूम है कि होल नंबर जो है वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और आपको क्वांटिटी का जो है वो एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा या इनफाइनाइट सेट कहलाएगा? ये आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. ओके, इसी तरह से पॉइंट नंबर 5 कह रहे हैं सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट. अब जो आपकी लाइन सेगमेंट है वो दो पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, उनके दरमियान जो है वो ड्रॉ होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ भी नहीं बताया, जैसे आप कह रहे हैं सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, तो हमें उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ है, तो हमने काउंट नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट शो नहीं की हुई. ठीक है, तो ये आपका क्लास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट. मैंने आपको पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 सॉल्व करवाया है. ठीक है, अब जो बाकी के इस क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं वो अपनी बुक पे आप खुद सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम दी फॉलोइंग. अब आपने क्या करना है, इन सेट में से आपने बताना है कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और कौन सा सेट जो है वो नॉट एम्प्टी सेट है. मैंने जैसे आपको बताया था एम्प्टी सेट कौन से होते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मेंशन ना हो. ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मेंशन ना हो तो वो सेट आपका कौन सा कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है. राइट, नंबर 1 पॉइंट अगर आप देखें तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10. अब होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के दरमियान आपके पास कोई भी डिजिट आता है, नहीं आता है ना, मीन्स के यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आता 9 और 10 के दरमियान, तो ये आपका कौन सा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा. देन है आपके पास पॉइंट नंबर 3, आपसे कह रहे हैं सेट ऑफ इंटीगर बिटवीन 4 एंड 6. अब किसके सेट है आपके पास, इंटीगर का बिटवीन 4 एंड 6, 4 और 6 के दरमियान आपके पास कोई इंटीगर आता है, जी 5 आता है आपके पास, इस मीन डेट ये आपका नॉट एम्प्टी सेट है. देन है आपके पास सेट ऑफ इवन प्राइम. अब इवन प्राइम नंबर्स जो है वो आपके पास क्या है, बहुत सारे होते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉट एम्प्टी. देन है आपके पास पॉइंट नंबर 6, कह रहे हैं सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट होती हैं. ठीक है, थीके? और आपसे कह रहे हैं दो नॉन पैरेलल लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं. ठीक है, थीके? और आपके पास क्या रहा है, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ और 2 नॉन पैरेलल लाइन, तो इसके दरमियान जो है एक पॉइंट तो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉट एम्प्टी सेट कहलाएगा. जब ये दो नॉन पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसमें एक पॉइंट तो हमारे पास आ रहा है. ठीक है, एक एलिमेंट तो हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉट एम्प्टी सेट कहलाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कह रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सेट विच आर इक्वल फ्रॉम दी फॉलोइंग. अब आपने यहाँ पे कौन सा बताना है कि ये सेट इक्वल है आपके पास या नॉट इक्वल है. ठीक है, इक्वल सेट है, मैंने आपको बताया था कि जो आपके इक्वल सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब कि ए सेट के और बी सेट दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. लाइक पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, 2, 3 और 4 है, और पॉइंट नंबर बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 3, 4 और 5 है, तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो ये आपका कौन सा सेट कहलाएगा, नॉट इक्वल सेट कहलाएगा.
ओके इसी तरह से आप आ जाएँ पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री में आपसे कह रहे हैं ए, इसके एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, ए बी सी डी और ई, और नंबर बी के सेट के क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, और यहाँ पे ए आई के एलिमेंट्स ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कौन सा सेट कहलाएगा, नॉट इक्वल सेट कहलाएगा, क्योंकि वॉवल्स तो हमारे पास ए ई आई ओ यू होते हैं। ठीक है, देन आ जाए आपके पास पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव में आपसे कह रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ सेवन लेस देन थर्टी। अब सेवन के जो मल्टीपल्स हैं लेकिन वो क्या हों, लेस देन थर्टी हों। तो जो सेवन का टेबल अगर आप देखें तो हमारे पास लेस देन थर्टी कौन कौन से डिजिट होते हैं, 14, 21 और 28। तो इट्स मीन देयर सेट ए और सेट बी दोनों क्या हैं, इक्वल सेट हैं, तो क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम हैं। देन है आपके पास पॉइंट नंबर सिक्स। पॉइंट नंबर सिक्स में आप देखें सेट ए में जो है वो आपके पास कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट जो है वो मेंशन है, और सेट बी में आपके पास एम्प्टी सेट का जो सिंबल्स है वो साइन है वो पुट किया गया है। तो मींस के यहाँ पे जो ए सेट में तो एक एलिमेंट मेंशन है, अगर ये जस्ट कर्ली ब्रैकेट होती, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मेंशन ना होता, देन ये इक्वल सेट कहलाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट मेंशन है जीरो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉट इक्वल कहलाएगा। देन इसी तरह से अगर आप आएँ पॉइंट नंबर ई नाइन पे, पॉइंट नंबर नाइन, ए सेट में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, ई ए टी, और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, टी ई ए। अगर आप देखें तो आप सेट ए के और सेट बी के दोनों के एलिमेंट क्या हैं, सेम हैं, तो ये आपका कौन सा सेट कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। देन आ जाएँ आप पॉइंट नंबर इलेवन। पॉइंट नंबर इलेवन, सेट ए के अगर आप एलिमेंट देखें तो क्या है, एस एम क्यू, एंड सेट बी के एलिमेंट क्या है, एम क्यू एस। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो इनके एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे एम है, तो नंबर बी के सेट में भी एम है, नंबर सेट ए के क्यू है, तो नंबर सेट बी में भी क्यू है। ठीक है, तो आपके ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। ओके, हमने एक्सरसाइज वन बी का क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री के हैं जो पॉइंट्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, इनके अलावा जो बाकी आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपने अपनी बुक पे खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।